अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आ रही है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक प्रवासी बंदे ने कंपनी चला रहा था दो कुवैतियों के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में, लेकिन कुछ मसला हुआ। अब वो कुवैती लोग दोनों बोलने लगे कि हमें 2-2 हज़ार KD हर महीने का चाहिए। उसके बाद में कुछ मसला हुआ, उसने कंप्लेन दर्ज कराई जो प्रवासी था, और जो कंपनी का शटर वगैरह होता है, किसी भी तरीके से गोदाम होते हैं, तो उसमें तोड़ फोड़ वगैरह करी, उसने वीडियो बनाया और कंप्लेन दर्ज वगैरह की। अगर आप भी इस तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की होती हैं, हो सकता है आपके साथ भी इस तरीके की घटनाएं होती हों। अब बात कर लेते हैं, जलेब के अंदर एक बंदे की मौत हो गई, ऊपर से बिल्डिंग से गिरा या गिराया गया, उसकी जाँच चल रही है, और जांच के बाद में फ़ाइनल मालूम पड़ेगा कि खुद गिरा है, खुदकुशी है, किसने गिराया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिपोर्ट जो सेंटर बने हुए होते हैं, एक बंदे जो प्रवासी है उसको फिंगर करके भेजा जा रहा था, लेकिन फिर बाद में रोका गया, क्योंकि उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा हुआ है कि इसने आग लगाई थी। अब वो पूरी तहकीकात होगी कि इसने आग लगाई थी या नहीं लगाई थी। कुछ दिनों पहले जो थी वो आग लगाई गई थी। अब जैसे ही अगर उसने क्राइम किया होगा तो उसकी पहले उसको सज़ा मिलेगी, उसके बाद में जो है वो कुवैत छोड़ पाएगा। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ध्यान रखें, सावधान रहें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई वगैरह की जाती है। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।